मीडिया के बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। पूरे देश में राममय वातावरण बन चुका है, आजादी का अमृत काल चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिसमें आप हम सबकी सहयोग की आवश्यकता है। अभी 22 तारीख को देश के लिए ऐतिहासिक दिन श्री रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। उसी दिन प्रत्येक गांव में ढाणी में मंदिर में रंगोलियां सजा करके भजन आरती कीर्तन और यज्ञ हवन का आयोजन हुआ। मेरे मन में भाव आया और इस प्रकार का संकल्प सार्थक करने की दिशा में कदम बढ़ाया कि चूंकि यह ऐतिहासिक और दिव्य दिन है और हमारे पड़ोस में ऐतिहासिक केराड़ू का मंदिर है, पर्यटन के दृष्टिकोण से और पुरातात्विक दृष्टिकोण से क्यों न इसका विकास करने के लिए पहल की जाए और उसको एक बड़ा पर्यटन केंद्र स्थापित करने की दिशा में कुछ करें। उस दिन आप सबके सहयोग से भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। तत्पश्चात मन में एक भाव आया और उसी संकल्प को सार्थक करने की दिशा में बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिले बॉर्डर के हैं, अभावग्रस्त जीवन हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक यहाँ जिया, परंतु वर्तमान में खनिज के अथाह भंडार के कारण कोयला का व्यवसाय और यहाँ क्रूड ऑयल भी निकला, रिफाइनरी भी लगातार पूर्ण होने के उस क्रम में है, सोलर हब भी बनने वाला है बाड़मेर जिला, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से मन में भाव आया। प्राचीन जितने भी मंदिर हैं या कुछ ऐसे स्थान जहां पर निश्चित रूप से बड़े पर्यटन केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, पर्यटकों को लुभाया जा सकता है और यहाँ के युवाओं के लिए सभी प्रकार के लोगों के एक पर्यटन का बड़ा केंद्र और सभी के रोजगार की बड़ी संभावना यहाँ स्थापित की जा सकती है। बॉर्डर का एक पर्यटन कॉरिडोर को लेकर के मेरे मन में एक भाव आया। जिस तनोट ऐतिहासिक मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं और भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान में बहुत बम बरसाए तो भी वो एक बम नहीं फूटा, ऐसा जगदम्बा माता का वो चमत्कारिक स्थान तनोट, वहां से लगाकर खूड़ी के धोरे, रोहिड़ी के धोरे, मुनाबाव का बॉर्डर, केराड़ू का ऐतिहासिक मंदिर, माँ वाकल का प्राचीन ऐतिहासिक विरात्रा मंदिर और उसके बाद में कच्छ का रण जो बाखासर के पास स्थित है। गुजरात में कच्छ के रण में एक बहुत बड़ा पर्यटन वहां कार्य चल रहा है, हजारों लाखों पर्यटक वहां आते भी है, युवा कई वहां रोजगार लग गए हैं। उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मैंने एक पहल का सोचा है। कल 11 फरवरी 2024 को बाखासर के रण में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें यहां बाड़मेर से 200 से 250 वाहनों का एक बड़ा काफिला बाड़मेर से निकलेगा, निमड़ी में दर्शन करके और चौहटन होते हुए धनाऊ सेड़वा होते हुए बाखासर के रण में कल शाम को 3 से लगाकर 6 बजे तक कई प्रकार के वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, ऊंट दौड़ घुड़ दौड़ भी है और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से भी वहां कुछ प्रदर्शनी है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बाड़मेर जिले के आदरणीय सज्जन महानुभावों को हमने आमंत्रित भी किया है वहां आकर के। इस दिशा में हम कुछ करें और बहुत बड़ा काम करें। ये कच्छ कारण निश्चित रूप से हजारों युवाओं के रोजगार का बड़ा केंद्र बन सकता है, गुजरात और राजस्थान का सीमांत स्थल भी है, अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है। बाड़मेर में बहुत सारी बहुअंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कारण करोड़ों रुपए का प्रतिवर्ष जो CSR का फंड आता है उस फंड के माध्यम से भी वहां सहयोग करके और पर्यटन स्थल कैसे स्थापित किया जाए। हस्तशिल्प चौहटन क्षेत्र में, बॉर्डर या सिव के क्षेत्र में, बाड़मेर पूरे जिले में हस्तशिल्प का बड़ा काम है, उसको भी कैसे बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें, विशेष करके महिलाओं के द्वारा हस्तशिल्प को एक बहुत बड़ा वहां एक काम है, काम किया जा रहा है वर्तमान में, तो उसको भी बढ़ावा देते हुए कुल मिलाकर के इस पूरे सीमांत बाड़मेर जिले में हस्तशिल्प और साथ साथ में ये बड़ा जो बाखासर के रण में पर्यटन के केंद्र स्थापित करने को लेकर के एक जो संकल्प है उसके दृष्टिकोण से कल एक कार्यक्रम सोचा है। कल कार्यक्रम होगा, सभी को आमंत्रित भी किया है। कल शाम को 3 बजे से 6 बजे के मध्य
अथाह कच्छ का जो रण है चारों तरफ हम देखेंगे तो मृग मरीचिका की तरफ तरह कहीं हमें लगेगा कि चारों तरफ पानी पानी पड़ा है, ऐसा भी लगेगा, कहीं लगेगा कि रेत का समुद्र है, परंतु कच्छ का रण है। नमक का बड़ा व्यवसाय हो सकता है, पर्यटन आ सकते हैं, बहुत सारी संभावना को लेकर के कल कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट में प्रदेश या केंद्र से बड़े नेताओं को यहां ला करके इस दिशा में कुछ न कुछ पहल कराएंगे, ऐसा एक संकल्प सार्थक करने के दृष्टिकोण से कल कार्यक्रम में आप सभी पधारे, ऐसा निवेदन करते हुए इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन में बुलाई और आप सबको यहां निमंत्रित किया। Thank you.